రెడ్డి నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. క్షమా కర్కే పాండమిక్ కే సమయ జో డిమాండ్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ హై హమారే ఊపర్ ఉస్కో కోయి ఉస్సే రాహత్ ఢూండ్నే కా అటెంప్ట్ భి నహీ కియా, టాక్స్ ఇంక్రీస్ నహీ హువా. యా 1, 2, 4. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. శిశిర్. Yes, Sishir. Ma'am, there is a one particular announcement you which you made about the blended and non-blended petrol and diesel, that additional or the differential 2 rupees thing. Does this mean that all the petrol and diesel sold by petrol pump, except those who are not blended, from October 1, 2022 will be costlier? We certainly want to encourage blended fuel. That's a simple message in that. Anything else you want to add, Tarun? We have discussed with the Ministry of Petroleum. We have also collected data on what is not being blended. And this is something to push the petroleum companies to ensure that they do the blending. So our desire is not to collect this tax because it will be very minimal. But the desire is that the blending happens, and to that extent it benefits the country. 106. मंत्री जी, हमारा आपसे मैं ऐसे मासिफ इन दिनों से मेरा सवाल है कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि 80 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा और रोजगार बढ़ाया जाएगा, ये किस तरीके से? ये किस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उससे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक, उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा. क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा. उसके अलावा हमने पब्लिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं. सो पीएलआई के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा, इसीलिए पीएलआई देना है, वो सेकेंड बात है. तीसरी, अभी 60,000 करोड़ हैव बीन एडेड ये जो अभी सॉवरेन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, और ECGLS जो दिए पिछले साल MSMEs के लिए, उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी, सरकार का नहीं, इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आ रहे हैं कि MSME सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे, वो उन जॉब से हटाया नहीं गया. सो सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान्स पैंडेमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, और उसके बाद ये ECGLS, अभी जो ECGLS हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, वो सब जॉब्स को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं. यही है तरीका. ओके, 175. मैम, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस. मैम, आपने बजट में दो अनाउंसमेंट्स करी हैं, एक IBC अमेंडमेंट्स को लेकर.